तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम ट्राई करेंगे कोरियन स्पाइसी डायनामाइट मैगी। तो आज से पहले कभी मैंने इस तरह की मैगी ट्राई नहीं की है, देखते हैं किस तरह का टेस्ट रहेगा और क्या वाकई में डायनामाइट है, किसको खाने के बाद मुंह में डायनामाइट ब्लास्ट होता है कि नहीं। ट्राई भाई भाई सुपर स्पाइसी डायनामाइट मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम 49 रुपीज का मैगी पैक ले लेंगे और ये बहुत ही स्पाइसी डायनामाइट है जैसे क्लेम करते हैं। तो आज चेक करेंगे है कि नहीं। पैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको मिलेगा अपना सीजनिंग पाउडर। सीजनिंग पाउडर के बाद आपको मिलेंगे तीन अलग अलग पाउडर्स, डाइड वेजिटेबल और सुपर स्पाइसी डायनामाइट सॉस। ये वही सॉस है जब मैगी बन जाए उसके बाद आपको उसके ऊपर डाल दिए। तो सबसे पहले पैकेट को ओपन करने के बाद पानी गर्म कर लेंगे और पानी गर्म करने के बाद इस मैगी नूडल्स को पानी गर्म डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे डाइड वेजिटेबल। डाइड वेजिटेबल में आपको फ्राई हुई गाजर, मटर, शिमला मिर्च हुई होगा, वो डालने के बाद जैसे पक जाए आप डाल दें सीजनिंग पाउडर। सीजनिंग पाउडर जैसे आप डालेंगे तो अलग सा अच्छा टेस्ट फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत शानदार सा आएगा। अब ज़्यादा देर नहीं पकाने में, इतना ही पकाना है जितना आपका नूडल पक जाए। अब उसको ट्रांसफर करेंगे बोल के अंदर। अब इस तैयार सी मैगी के अंदर डालेंगे सुपर स्पाइसी डायनामाइट सॉस, जो कि एक्स्ट्रा स्पाइसी सीजनिंग इसके साथ आती है, वो इसके ऊपर डालेंगे। दिखने में तो अभी से ही बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी लग रही है, लेकिन साथ ही बहुत डर लग रहा है दोस्तों कि खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि आप देख पा रहे कितनी रेड स्पाइसी मैगी दिख रही है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मुझे हिम्मत मिले इस तरह की मैगी को और भी ज़्यादा ट्राई करने के लिए। और हाँ, कभी आपने इस तरह की मैगी ट्राई करी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस किसका रहा। तो देखिए, मैंने सारा सीजनिंग पाउडर सब कुछ मिक्स कर दिया है और उसका कलर और ज़्यादा ब्राइट रेड हो चुका है। तो दोस्तों, फटाफट से मैंने इसका बड़ा सा बाइट बनाया और उसको बड़े से बाइट को मैंने जैसे ही ट्राई किया तो एक आफ्टर इफेक्ट बहुत ही भयंकर हुआ। पहले तो लगा कि बहुत नॉर्मल सी मैगी, लेकिन जैसे एक दो सेकंड बीते आए भाई साहब इतने खतरनाक ब्लास्ट मुंह में हुए कि जैसे मान लो 15-20 मिर्च एक साथ खा लियो। टेस्ट की बात करें टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं या स्पाइसी लवर नहीं है तो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के चैलेंज और भी मैं लूँ, इस तरह की और भी मैं ट्राई करूँ, तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं। थैंक यू सो मच गाइज़।